गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एक्सटीरियर वाई एंगल क्या होता है? बहुत इजी है। अगर आप एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी, क्या बात है? ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, एक्सटीरियर एंगल का डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आएगा, बस सॉल्व करना है आपको। एक्सटेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एक्सटेंशन होता है क्या है, ट्रायंगल को लेना है कोई भी एक ट्रायंगल, तो किसी एक साइड को आप एक्सटेंड करते हैं, या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ। जैसे हमारे ट्रायंगल ए बी सी है, इसकी एक साइड देते हैं बी सी, बी सी को हम एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ। यहाँ ये हमारा डी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? डी, ठीक है। हमने ट्रायंगल लिया एबीसी और बीसी जो साइड इस पर एक्सटेंड कर दिया डी तक, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल, एंगल एसीबी क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा हमारा? एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया क्या? ऐसे ही हम ये साइड लेते हैं एसी, किसी भी एक तरफ किसी एक तरफ, वो क्या होता है? ये है 50 डिग्री, ये है हमारा 70 डिग्री और ये है हमारा x।
की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए एक्स क्या है, आपके हमारा एक्स क्लियर एंगल है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू इसका जो क्लियर है ये, और इसके जो अपोजिट सम्मुख जो है कोण है, सम्मुख एंगल से अपोजिट एंगल से इनके सब के इक्वल है, ये क्या होगा हमारा कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू 120 डिग्री। ये ये कह रहे हो एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ये इक्वल होता है सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया क्या, बहुत इजी है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसको बेटा, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट,
क्या हो रहा है, ए बी सी लिमिट करते हैं, आप चाहे तो लिमिट जरूर कर लेना है, लिमिट नहीं किया है लेकिन मतलब नाम नहीं किया मैंने, तो आप ए बी सी में लिखी बार एक्स वाई जेड एलिमेंट कुछ भी कर सकते हो आप। अभी तुम्हें यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल दी, बहुत इजी है एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, वी नोट एट सम ऑफ द ऑल एंगल्स, क्या जानते हैं वी नोट एट, आप ये जानते हैं इनो एंगल का सम कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है, अगर इसको 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 ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 180 होगा, ये प्रॉपर्टी है टाइमिंग की, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये 110 ये 180 डिग्री और फिर और हो जाएगा x इसका क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आएगी 70 डिग्री, ये हमारा 70 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 6.3 वेरी इजी वेरी गुड, आप ट्राई करेगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखता है, क्वेश्चन नंबर टू का एक क्वेश्चन करेगा कोई भी, आप बाकी इस एक्सरसाइज को फिनिश करेगा, ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है टू, अब इसका कोई एक पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं, मैं आपको हिंट देता हूं क्या करेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से कर लेना, मैं बता रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, सीमा को पर भी आप लिख सकते हैं, यहां पर x प्लस 15 इज इक्वल टू 120 x के अंदर एंगल ठीक है, इसके अंदर एंगल 47 नहीं होती है, इसका इसका सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री, एक्स आ जाए और आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो एक्स प्लस 50 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पे की कोई नोड है, हम जानते हैं कि ट्रायंगल में देखो समझ में आया क्या, तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, हम एक और पार्ट कर देते हैं, आप उसको आप ट्राई करना, ठीक है, तो पूरा ये चैप्टर एक्सरसाइज फिनिश हो चुका है, 2 फिनिश हो चुका है और 6.3 फिनिश हो जाएगा, ठीक है, हम सेकंड पार्ट कर देते हैं ताकि आप अपना पार्ट इसी बेसिस पे सॉल्व कर सकें, ये हमारा वाई है, ठीक है, ये देखो ये एक लाइन है और ये लाइन है, ये 80 डिग्री है और ये कितना है वाई, देखो वाई और 80 दोनों क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे, समझ में आएगा, ये लाइन है और एक ये लाइन, समझ में आया क्या, बेसिक ये हो जाएगा और ये देखो आप ये क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, वी नो दैट क्या जानते हैं y प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 y इज इक्वल टू 50 और ये 50 डिग्री है, हम x की जाना तो हम यहां पे डायरेक्ट करते हैं x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस
क्या हो जाएगा 130 और x स्क्वायर कितनी आ जाएगी 50। समझ में आया क्या सर? क्लियर है? तो ऐसे ही आप वर्टिकली अपोजिट एंगल उसका जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करके बाकी जो पार्ट है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्राई करना, ठीक है? कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज और कुछ अच्छी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे 6.4 में, ठीक है? इसमें दो एक्सरसाइज और बच रहा है, फिनिश हो जाएगा टाइम से। ओके, थैंक यू।